हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान महिमा में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गेहूं के पौधों से गेहूं के दाने निकालकर अलग कैसे किया जाता है गांव में, क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। सबसे पहले गेहूं के इन पौधों को पकने के बाद इनकी कटाई होती है, और इनकी कटाई होने के बाद हम पिछली फसल में जो धान की खेती हुई थी उसके पौधे का हम एक बंधन बनाते हैं, जिसको गांव की भाषा में मुर्रा भी कहते हैं। इसका बंधन बनाने के बाद हम एक बड़े बोझ को बनाने के लिए सफल होते हैं। बोझ का मतलब होता है गेहूं के पौधों का एक बहुत बड़ा गट्ठर, जिसको हम धोकर उसके उचित स्थान पर पहुंचा सके। कुछ इस प्रकार का गट्ठर हम तैयार करते हैं। उसके बाद इन गट्ठरों को हम थ्रेसर मशीन के पास पहुंचाते हैं, जहां इस मशीन से सारे पौधों से गेहूं को अलग कर सकें। इसको हम बचत के लिए बिजली के उपकरणों से यूज कर रहे हैं। कई जगहों पे ज़्यादातर ट्रैक्टरों द्वारा यूज किया जाता है, जहाँ पे पेट्रोल या डीजल का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ एक सस्ती टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मोटर का यूज करते हैं, जो बिजली से चलती है, और यहाँ गेहूं भी बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं।